अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखिए एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर ये तो सिंपल सी बात है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें ये टॉपिक क्यों करना पड़ रहा है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जरूर कुछ ना कुछ मैटर होगा, बिल्कुल सही लगा आपको। ऑब्वियस बात है, पीडीएफ देख रहे हो, लेक्चर बाकी है, पढ़ाने के लिए बैठा हूँ और यहाँ पर टॉपिक आ गया एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, तो नेचुरली थॉट तो आएगा सर एक बार तो बोलते हो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगले टॉपिक में फिर वही पढ़ा रहे हो, वही टॉपिक ही है, क्या मतलब चल रहा है। देखो कानून मानता है कि कभी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, ठीक है ठीक है, मजबूरी का नाम आप जानते ही हो, ठीक है, तो एक्सेप्शंस हमेशा आने वाले हैं, कानून कुछ बात बनाएगा तो ये भी देखेगा यार मजबूरी हो सकती है, तो चलो हम कुछ इसमें किसी तरीके का एक्सेप्शन दे देंगे, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा पूरे लॉ में चल, इसलिए आपको एक्सेप्शन एक्सेप्शन उस मजबूरी का नाम है, ठीक है। तो देखिए एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, देखो नॉर्मली क्या होता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहाँ पे कंसिडरेशन ना भी होगा फिर भी क्या होगा, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सबसे पहला, अब इससे पढ़ के आपको फिर झटका लगेगा, यार हर बात पढ़ाते हो फिर आगे जाके उसको उसी को तुम क्या करते हो, क्या बोलते हैं उसको, काटते हो या जो भी समझो, ठीक है। तो सबसे पहला है एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अभी बोलोगे सर चैप्टर वन में चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे थे कि लव एंड अफेक्शन वाले एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते हैं, लैला ने मजनू को बोला, मजनू ने लैला को बोला कि मैं तेरे चांद तारे तोड़ के लेते आऊँगा, ठीक है, तो मजनू नहा कर दिया, फिर वो चांद तारे तोड़ के दिया नहीं, तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर दे कि जाओ चांद तोड़ के लाओ, नहीं कोर्ट बोले यार बच्चा है भावना में बह के बोल दिया, तुम तो दिल पे ले ली, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये इन्फोर्सिबल नहीं होगा। लेकिन 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 अगर कोई भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर वो ये चार कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, तो भले वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बीच में हुआ हो, भले वो क्लोजली कनेक्टेड पीपल के बीच में हुआ हो, स्टिल वो इन्फोर्सिबल हो जाएगा। वो चार कंडीशन क्या है, पहला है इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कि अगर पर्सन के बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उनके बीच में ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन होने चाहिए, ठीक है। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन ए नियर रिलेशन टू इच अदर, दोनों का आपस में कोई नियर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, फैमिली का हो, वाइफ हो, ठीक है। इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, उस रिलेशन में होगा। जैसे मान चलो एक बाप है, उसने अपने बेटे को बोला बेटा मैं तेरे को अभी स्टैम्प पेपर में अभी लिख रहा हूँ कि तेरे को अगर सी एग्जाम तू पास कर गया मैं तेरे को 10 लाख रुपए ट्रांसफर करूँगा, दूंगा हर हाल में, तेरे को बाइक दूंगा गाड़ी दूंगा, और एक कागज में जाते हैं एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर लेकर आते हैं, उसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया, अपना साइन भी कर दिया, बेटे का भी साइन ले लिया, इस पर मोहर भी मरवा दिया। अब ये पापा अगर मुकर जाएंगे इनके फ्यूचर में, तब अब बेटा केस फाइल करेगा और कोर्ट इनको बोलेगी बेटा तुमको देना पड़ेगा, नहीं होगा आपको जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्राइटेरिया पूरा होने का, तब ये बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखो पहले वर्ड कंपनसेशन मतलब आपने कंपनसेट कर रहे हो, मतलब किसी ने कुछ कर दिया आप उसके बिहाफ में क्या करो, उसको कंपनसेट कर रहे हो, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है। देखिए अ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट, चाहे वो पूरा में या पार्ट में कुछ ही अमाउंट हो, अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर इज इन्फोर्सिबल। जैसे मान के चलो मैं रोड में मार्केट जा रहा था, मेरा पर्स कहीं गिर गया, उसमें 10,000 रुपये थे, तो किसी पर्सन को मिला, वो पर्सन अपने से खोज के मेरा आधार कार्ड का एड्रेस देकर पता करके आता है और मतलब उसे मतलब कुछ खर्चे बेयर करने करने पड़ जाते हैं। मैं बोलता यार तू तू सही तू तू मतलब तू तो देवता है, ठीक है, तूने मेरे को पर्स ला दिया आज के टाइम में, कौन करता है, चल मैं प्रोमिस करता हूँ मैं तेरे को 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है। तो जहां पे मैंने उसे प्रॉमिस किया उसके इस वॉलंटरी सर्विस को, वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से उसने कोई एक्ट किया, अगर वॉलंटरली नहीं होता तब बात कुछ और हो जाती, ठीक है, लेकिन जहां पे उसने वॉलंटरली कुछ एक्ट किया मेरे लिए किया, ठीक है, और मैं उसे क्या करता हूं, प्रॉमिस दे देता हूं, उस केस में अगर कल को मैं अपने प्रॉमिस से मुकरा, ठीक है, तो वो सामने पर्सन मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, ठीक है, मैं लीगली बाउंड हो जाऊंगा, ठीक है। In order that a promise to pay for the past warranty services be binding, following essential forces factors must exist. पहला, the services should have been rendered voluntarily. Voluntary मतलब अपनी स्वेच्छा से होना चाहिए, डरा धमका के या मेरे बोलने पर नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो भी services हों वो किसके लिए हों, मेरे प्रोमिसर के, मेरे लिए होना चाहिए, किसी और का पर्स ला के मुझे दोगे तो मैं क्यों दूंगा पैसे तुम्हें, ठीक है। तीसरा, जिस टाइम पे मेरे मेरे वो सर्विसेज मुझे मिले उस टाइम पे मुझे जिंदा होना चाहिए, ठीक है,
पर्स गिर गया, लेकिन तुम्हारे मिलने से पहले वो जिस पर्सन का पर्स था उसका डेथ हो गया, तुम उससे घर जाके हल्ला करो पैसा दो बेचारी करती जा रही है और तुम पैसा मांग रहे हो, फिर यहाँ पे ये बाइंडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोमिसर का एग्जिस्टेंस में होना, जिस समय पे उसे सर्विसेज वो मिले उनका जिंदा होना जरूरी है, ठीक है। और आखिरी है कि प्रोमिसर ने अपना इंटेंशन कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा ये व्यक्त किया हो तभी ये माना जाएगा, ठीक है। अगर उसने कोई प्रॉमिस ही नहीं किया हो, तुमने सर्विस दे दिया और उसने कोई प्रॉमिस नहीं दिया हो, तब उस केस में बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है आपका प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। देखो टाइम बार डेट क्या होता है, अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो कि जैसे आप जानते हो कि ये लोग पर डे कितने केस मुकदमे होते होंगे, किसी के साथ सही हुआ किसी के साथ गलत हुआ, मान के चलो कि कोई एक पर्सन है जो किसी विक्टिम का शिकार है, बी ने कुछ ऐसा काम किया जिसका वो विक्टिम बन गया, ठीक है। तो नॉर्मली इसे एक केस फाइल कर देना चाहिए, जैसे ये 1 महीने में करे 10 दिन में करे, ठीक है। ऐसा होगा क्या 20 साल बाद ये बोलेगा बी तुमने 20 साल पहले मेरे बचपन में मेरा ये चोरी पेंसिल चोरी किया था, आज मैं वो पेंसिल लेने आया हूँ वापस, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगा, कैसे लगता है लॉजिक, ठीक है। तो देखो टाइम बार डेप्ट क्या होता है ना, कि जब भी आप कुछ कोई कॉन्ट्रैक्ट की आपको केस फाइल करना है, ठीक है, डेप्ट के बारे में थोड़ा देर में बाद आएंगे, तो जहां पे आपको अगर किसी पर्सन के खिलाफ कोई केस फाइल करना है, आप किसी तरीके का विक्टिम हो गए हो, ठीक है, आप कितने दिन के अंदर में आप क्या करोगे केस फाइल कर सकते हो, यही बात हमारा बताता है टाइम बार्ड, ठीक है। तो ये लिमिटेशन एक्ट में हमें पढ़ना होता है कि एक लिमिटेशन कोर्ट ने कानून ने डिसाइड किया है, ठीक है, वो लाइक 3 साल, 3 साल के अंदर कभी कोई इस केस मुकदमा कभी हुआ तो 3 साल के विदिन आपको क्या करना है केस फाइल करना, उसके बाद तो उसको बंद कर दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं दिया जाएगा, फिर आप तो लोग टाइम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो माने चलो कि मेरा घर है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बिजली बिल काफ़ी बकाया है, ठीक है, मेरा बिजली लेट से 1 लाख बकाया है, ठीक है। बिजली विभाग वाले मेरे यहाँ 3 साल तक तो आए ही नहीं, 4 साल तक आए ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या मान लिया जाएगा कि भाई अब तुम क्या क्या ये एक्सपायर हो गया, अब आपके पास लीगल राइट भी नहीं है रिकवरी करने के, ठीक है, आप दिन से सो क्यों रहे थे, आपको उसे लेना था जाकर ले लेना चाहिए था, ठीक है, लिया नहीं, 3 साल बाद आकर मुझसे मांगेंगे मैं नहीं दूंगा, तो कोर्ट भी उनको इंटरटेन नहीं करेगा, कानून भी उनको इंटरटेन नहीं करेगा। तो मान के चलो कि जहाँ पे मेरे पास कोई डेप्ट है जिसका एक्सपायरी डेट क्या हो गया हो, पूरा हो गया हो, लेट से 3 साल का एक्सपायरी डेट है वो पूरा हो गया हो, तो ऑब्वियस बात है, अब मान चलो कि ए के पास बी के पास कुछ बकाया पैसा है, ठीक है, तो विद इन 3 ईयर अगर ए ने उसे रिकवरी नहीं किया, एक्सपायर हो गया वो, कोई केस फाइल नहीं किया कुछ किया नहीं, तो वो क्या हो गया टाइम बार्ट हो गया, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया। अब 3 साल के बाद उसको याद आता है कि अरे ए से मेरे को पैसा लेना था, 300 आकर मांगेगा, तो क्या ए के पास लीगली बाउंड है, आंसर है नहीं। लेकिन ये प्रोविजन क्या कह रहा है कि जहां पे ए ने प्रॉमिस कर दिया अपने इस टाइम बार डेप्ट को पे करने का, ठीक है भाई मैं तुम्हें जो डेप्ट था तुम्हारा मैं अब पे करूंगा, हालांकि वो उसके लिए लीगली बाउंड नहीं था, लेकिन उसने क्या किया एक टाइम बार डेप्ट को पूरा करने के लिए उसने उसका प्रॉमिस कर दिया, अब भी उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, जहां पे ऐसा हो गया, अब इवन तो कंसिडरेशन यहां पे मिसिंग है लेकिन उसने क्या किया प्रॉमिस पे करने को कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टाइम बार डेप्ट। एग्जाम्पल इसको देखो, ए इज इंडेब्टेड टू सी फॉर ₹60,000, ए को सी का लाइक 60,000 रुपये बकाया देना है, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया मतलब टाइम बार्ट हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, इसे याद नहीं आया, लेकिन बाद में लेटर ऑन क्या होता है एक ए ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे कंसेशन मिसिंग क्या है, ए ने इसे पैसा लिया लेकिन इसे दिया नहीं, तो यहाँ तो कंसेशन नहीं है, तो ये नो कंसेशन वाला एग्रीमेंट हो गया। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, फ्यूचर में ए एक लिखित में लिख के क्या करता है इन रिटेन एक लेटर बना के लिख के देता है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पे कंसिडरेशन ओरिजिनली क्या था, मिसिंग था, लेटर ऑन क्या होता है ये इस बात को प्रॉमिस कर देता है पे करने का, अब ये लीगली बाइंडिंग बन जाएगा ये, ठीक है। चौथा एजेंसी, देखो कभी भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें कोई भी कंसिडरेशन का आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बोला कि भाई तुम मेरे बिहाफ में काम करोगे, तुम मेरे लिए स्टूडेंट लेकर आओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ना तुम मुझे स्टूडेंट दिए ना मैंने तुम्हें पैसा देना अभी शुरू किया, अभी फिलहाल तो तुमने लिया नहीं, लेकिन हमारे बीच में क्या बन चुका हुआ है एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका हुआ है, ठीक है, अब मैं लीगली बाउंड हूँ, क्योंकि जहाँ पे एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से बनता है, यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस समय में किसी को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता है, लेटर ऑन उसका प्रॉमिस होता है और ये लीगली बाउंड होता है, ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है। पांचवा कंप्लीटेड गिफ्ट्स, देखो इन द केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एम्प्लाई,
नो नियर रिलेशंस आर रिक्वायर्ड, हाउ एवर रजिस्ट्रेशन ऑफ द गिफ्ट विद गिफ्ट डीड इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फोर्सेबल। देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ तो वहाँ पे वो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे कोई ऐसा कंप्लीटेड गिफ्ट हुआ, जहाँ पे मैं किसी को गिफ्ट दिया लेकिन मैंने उस गिफ्ट के साथ क्या किया, एक गिफ्ट डीड बना लिया कि ठीक है मैं आपको ये कुत्ता गिफ्ट में दे रहा हूँ, लेकिन आप इस कुत्ते को कभी भी बाहर लेकर नहीं आ सकते, ये पिटबुल है, बहुत खतरनाक है, जब भी आप बाहर ले जाओगे आप इसके मुंह पे पट्टा बांध के रखोगे, ठीक है, इसको प्रॉपर आप ट्रेनिंग दोगे, कटवाओगे नहीं, मतलब घर के अंदर दायरे में रखोगे, ठीक है, छोटे बच्चों के इलाके में आप इसे नहीं ले जाओगे। जहाँ पे मैं ये गिफ्ट डीड बना के उस पर्सन को दे देता हूँ, ठीक है, उस पर्सन ने बदले में मुझे पैसा नहीं दिया, मैंने जस्ट उसे डॉग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कंसेशन तो मिसिंग है, लेकिन स्टिल उस चूंकि मैंने गिफ्ट डीड बना के उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब ये क्या हो गया, कंप्लीटेड गिफ्ट की कैटेगरी में आ गया, और अब हम इसे क्या कर सकते हैं, लेटर ऑन मैंने देखा कि वो कुत्ते को लेके ऐसे ही घूम रहा है, कुत्ते ने काट लिया, तो मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। छठा है हमारा बेलमेंट। देखो बेलमेंट का मतलब क्या होता है, बेलमेंट मतलब होता है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हम किसी भी चीज़ का क्या कहते हैं, पोजेशन बस ट्रांसफर करते हैं, पोजेशन देते हैं, मतलब बस सिंपल भाषा में मैं कुछ रखने के लिए दे दिया, जैसे मान के चलो कि आपके पास आप ऑफिस जा रहे थे, आपके पास गाड़ी आपकी ख़राब हो गई, आप मेरे पास आके बोले कि सर ये मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मेरे को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, आप प्लीज़ अपनी गाड़ी मेरे को दे दो, तो मैंने तुम्हें गाड़ी दिया, तो मैंने तुम्हें गाड़ी जस्ट एज ए प्रॉपर्टी बस उसका पोजेशन दिया है, ठीक है, मैंने तुम्हें बस उसको रखने के लिए दिया है, मालिकाना हक नहीं दिया है, लेटर ऑन तुम आए और रास्ते में गाड़ी बेच दिए, तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेलमेंट के केस में क्या होता है, जब आपने सामान को रखने के लिए उसे दिया, ठीक है, और लेटर ऑन वो किसी तरीके से उसको नुकसान कर दे, गायब कर दे, तो जिस पर्सन का नुकसान हुआ है वो सूट फाइल करेगा, और यहाँ पे ये प्रॉपर एग्रीमेंट माना जाएगा जो कि इन्फोर्सेबल भी होगा, ठीक है। सातवां है आपका चैरिटी। देखो चैरिटी का केस समझो, चैरिटी मतलब समझते हो दान, डोनेशन, दक्षिणा किया। इफ चैरिटी के केस में क्या कहा जाता है, इफ ए प्रोमिसी अंडरटेक्स द लायबिलिटी ऑन द प्रोमिस ऑफ द पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी देयर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड। जैसे आप इस चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल ही समझो, ज्यादा बेटर समझेगा। एक मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर का काम अभी आधा अधूरा पूरा हुआ है, बहुत सा काम होना बाकी है, टाइल्स लगना बाकी है, नई नई मूर्तियां आनी बाकी है, डेकोरेशन का काम बाकी है। मैं मंदिर जाता हूँ, देखता हूँ, अरे भगवान, मैं दिल से पिघल जाता है, नहीं मैं भगवान के लिए कुछ करूँगा, तो मैं उस पुजारी को बुलाता हूँ और मैं बोलता हूँ, पुजारी जी सुनिए, मैं ये मंदिर का पूरा बनवाने का खर्चा मैं बेयर करने को तैयार हूँ, मैं आपको ये पूरा खर्चा पे करूँगा, आप निश्चिंत होकर पूरा काम करवाइए, जो करवाइए। पुजारी जी खुश, मैंने उन्हें आश्वासन दे दिया, लिखित आश्वासन दे दिया, ठीक है। अब पुजारी जी मेरे इस भरोसे पे क्या करते हैं, मिट्टी गिरवा लिया, ईंटा गिरवा लिया, टाइल्स गिरवा लिया, उन्होंने क्या किया, मेरे इस प्रॉमिस पे एक लायबिलिटी खड़ी कर ली अपने ऊपर में। लेटर ऑन अगर मैं मुकर जाऊं, यहाँ पे कंजेशन मिसिंग, क्योंकि पुजारी जी मुझे बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया देने का, ठीक है, और मेरे इस प्रॉमिस के बेसिस पे उस पर्सन ने एक लायबिलिटी अपने कंधे के ऊपर में ले लिया, ठीक है, अब मैं लीगली बाउंड हो जाऊंगा। अगर मैं मना करूंगा तो वो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं, लॉ मुझे इन्फोर्स करेगी कि आप जाओ उसको भरपाई करो, कैसे नहीं करोगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कंसिडरेशन का पूरा टॉपिक, आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा, और यहाँ पे एक शॉर्टकट है जो हम लोग ने मतलब सीए के टाइम में पढ़ा था, ठीक है, तो मैं आपको भी साथ शेयर करूँगा, बहुत ही आसान है। देखो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट का एक शॉर्टकट है, वो है लार्ज सिपटी बैग। एल फॉर क्या हो गया, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सी फॉर क्या हो गया, चैरिटी। पी फॉर क्या हो गया, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। टी फॉर क्या हो गया, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। बी फॉर होता है बेलमेंट। ए फॉर एजेंसी। जी फॉर कंप्लीटेड गिफ्ट्स। तो ये शॉर्टकट है, आप इसे मतलब इजीली याद कर लोगे। और अगेन अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको क्लासेस हमसे करने हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको हम फिर कॉल बैक करके आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।